सुगरा ने तो खत पहले से लिख के रखा था। किताब का नाम मजबूल नूरैन, हमारे और भी बुजुर्ग खुतबा ने इस खत को पढ़ा है। चूंकि मुझे याद नहीं है असल खत के जुमले, जो किताब के जुमले हैं वो ही पढ़ूंगा। देख कर इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि कोई लफ्ज मेरी तरफ से ज्यादा ना हो जाए, मेरी तरफ से कम ना हो जाए। मदीने में कासिद की आवाज गूंजी, मैं कूफे की तरफ जा रहा हूं, अगर किसी को कोई पैगाम पहुंचाना है तो पहुंचा दे। सुगरा ने खत को पहले से लिख के रखा था ना, बाबुल हवाज का छोटा बेटा जिसका नाम तारिक ने उबैदुल्ला लिखा। सुगरा ने भेजा, कासिद को बुलवाया, सुगरा ने खत दिया। कैसे कासिद ने खत को लिया, जुमला कहा का ये बता दे अपने बाप के नाम खत तो मेरे हवाले कर दिया, मैं तेरे बाप को पहचानूंगा कैसे। घर के अंदर से सुगरा की आवाज आई, ऐ कासिद घबराने की बात नहीं, मेरे बाबा को पहचानना बड़ा आसान होगा। का कैसे पहचानूंगा, का एक तरफ मेरा चचा पास करो। आवाज गिरिया बुलंद हो गई, मौला मेरा तुम्हारा शुमार रोने रुलाने वालों में करे। जज़ाकअल्लाह, एक तरफ मेरा भैया अकबर खड़ा होगा, एक तरफ कासिम खड़ा होगा, पहचानना बड़ा आसान होगा। कासिद ने खत को लिया, कभी भी वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे बाप तक तुम्हारा खत पहुंचाऊंगा। ऐ रोने वालों, सबको पता है अब कासिद किस हाल में करबला पहुंचा है। करबला उस हाल में पहुंचा जब हुसैन एक 6 महीने की बच्चे की कब्र पर आंसुओं से छिड़का। बस अब आप रोएंगे, अब मसायब का आगाज हो रहा है। मैं अभी तक मसायब नहीं पढ़ रहा था, अब मैं तुमसे हुक्मन कहता हूं, मैं सिर्फ पढ़ता रहूंगा। अब मैं आपसे रोने के लिए नहीं कहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, आप रोते रहिएगा। किताब का मैंने हवाला दे दिया। किताब जब हम लोग खत लिखते हैं तो खत की जगह पे पता लिखते हैं, खत भेजने वाला कौन है, खत आया कहां से है। जैसे कासिद करबला में आया, आवाज दी, आईना आईना हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली कहां है। हुसैन आगे बढ़े, हुसैन जैसे ही आगे बढ़े, का गजब क्यों करता है, मुझे क्यों आवाज दे रहा है। कहे मर्दे बुजुर्ग, तूने गलत सुना, मैं तुझे आवाज नहीं दे रहा, मैं हुसैन को आवाज दे रहा हूं। काम में ही तो हुसैन का गजब न कर, तू हुसैन नहीं हो सकता। अरे तेरी बेटी ने बताया था जब मेरे बाबा से मुलाकात करेगा एक रख चचा बाप। अल्लाह जाने जो नहीं रो रहा है वो क्यों नहीं रो रहा है। अल्लाह तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे रोने वालों, तुम अपनी बेटियों को दुल्हन के लिबास में देखो। अब मैं जुमला पढ़ रहा हूँ, यार मुझे देखो, सरों को टाप मुझे देखो। कासिद ने जैसे खत को दिया, कहा आपकी बेटी सुगरा ने खत दिया है, हुसैन ने खत नहीं खोला। जो हुसैन 71 लाशें उठा चुका था, हुसैन ने खत को नहीं खोला। वो हुसैन जो आहिस्ता आहिस्ता अकबर के लाशे पे गया, ना जाने बेटी के खत में कैसी ताकत थी। खत को लिया, बड़ी रफ्तारी से खैमे की तरफ चले, आवाज दी, ऐ ज़ैनब जल्दी आओ, सुगरा का खत आया। ऐ रबाब, ऐ लैला जल्दी आओ, ऐ फिज़ा कहाँ रह गई, जल्दी आओ, अरे सुगरा का खत आया है। ऐ रोने वालों, अब मैं खत पढ़ रहा हूं, जितना मुझसे पढ़ा जाएगा उतना पढ़ूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। खत खोला, खत में हम लोग पता लिखते हैं खत आया कहां से, खत भेजा किसने। सुगरा ने खत में पते की जगह जानते ही क्या लिखा, सुगरा ने खत में लिखा, बाबा घर उजड़े पड़े हैं, मुझे नहीं पता कौन रोएगा कौन नहीं रोएगा, इससे बड़ा मसाइब क्या होगा। सुगरा ने खत की जगह पे पते की जगह लिखा, बाबा घर उजड़े पड़े, मैं पढ़ता रहूंगा आप रोते रहिएगा, बाबा घर उजड़े पड़े हैं, हर सिमत उदासी है। इसके बाद कहा, प्यारे बाबा
बीमार बेटी आप पर सलाम अर्ज करती है, प्यारे बाबा आपकी बीमार बेटी अब तक एहसास में जी रही है कि भैया अली अकबर कब आए। हाँ बाबा सुगरा भी जिंदा है बाबा, ए बाबा सुगरा ऐसी भी बीमार न थी जो मैं सफर ना कर सकती, मुझे अपनी बीमारी का इल्म भी नहीं। हाँ मगर सब कह रहे थे कि सुगरा बीमार है, गर्मी का सफर है, सुगरा को ले जाना ठीक नहीं। मैंने तो ये भी कहा था बाबा जब मेरी बीमारी ज्यादा बढ़ जाए तो मुझे वहीं छोड़ देना। ना चचा सुनते थे ना अकबर सुनते थे। हाँ हाँ बाबा वो क्यों सुनते, वो तो आपके हुक्म के पाबंद थे। लेकिन मेरे प्यारे बाबा ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आखिर आप बार बार फूफी ज़ैनब से ये क्यों कह रहे थे कि सुगरा की शक्ल अम्मा से बहुत मिलती है। सुगरा की शक्ल अम्मा से बहुत मिलती है। लो बाबा ये कोई बात तो नहीं हुई, अगर मेरी शक्ल दादी से मिलती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। फिर ना जाने की ये कोई वजह ना हुई, क्या भैया अकबर नाना की हम शक्ल नहीं है, क्या चचा दादा से नहीं मिलते। आखिर बाबा शक्ल सूरत तो खानदान वालों पे ही जाती है। खैर बाबा आप मुझको नहीं ला, मेरी बहनों मुझे माफ करना, खैर बाबा आप मुझको नहीं लाना चाहते थे ना ले गए। बाबा आपको याद होगा आपने कहा था जब अकबर की शादी होगी तो जरूर बुलवाएंगे, क्या अभी शादी तय नहीं हुई, कब तक इरादा है, जरूर बुलवाइएगा। हाय मेरा भैया जब सर पे सहरा बांधेगा तो कितना प्यारा लगे। आवाज अगर यह बुलंद है जरा करना, मौला आपकी आवाजों पर हिम्मत नाजिल करे। हाय मेरा भैया जब सर पे सहरा बांधेगा तो कितना प्यारा लगेगा, मैं भैया के सहरे की बलाए लूंगी और बाबा मैं अली अकबर का सदका उतारूंगी, मेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। ए बाबा शादी के कपड़े तो सिल गए होंगे, मेरा दिल चाहता है उड़ के आप तक आ जाऊं, दिन रात तकती हूं। अब कोई आया दक्कुल बाब हुआ मगर शाम आती है, परिंदे अपने घरों को जाते हैं, फिर कल कोई आएगा इस आस में नानी के साथ चराग जलाने कब्रे रसूल पे चली जाती हूँ। ए बाबा जब रात आती है रात में ख्वाब नजर आते हैं, ख्वाब में चेहरा में खून उबलता हुआ नजर आता है, बाबा नींद उड़ जाती है, रात को उठ के बैठ जाती हूँ। और ए बाबा जब से मुहर्रम का चांद देखा खत्म हो रहा है, मैं नहीं पढ़ सकता बस डेढ़ से दो मिनट, इंशाल्लाह आप गिरिया करते हुए उठेंगे और मैं भी देखता हूँ आज कौन ऐसा पत्थर दिल है जो गिरिया नहीं करता। ए बाबा जब से मुहर्रम का चांद चढ़ा, ए मेरी बहनों तुम अपनी भाइयों को दूल्हे के लिबास में देखो, ए रोने वाले जवानों तुम अपनी बहनों को दुल्हन के लिबास में देखो, अब दुआएं मांग लेना। ए बाबा जब से मुहर्रम का चांद चढ़ा है एक पल को चैन नहीं आता। ए बाबा मेरा खाना पीना सब छूट गया है, नानी जबरदस्ती खिलाती है, बाबा खाना भी नहीं खाया जाता। ए बाबा अब तो आखिरी जुमले है, ए बाबा अब तो आस पास से कोई आता नहीं, मेरी सहेलियों ने भी आना छोड़ दिया। ए मेरे प्यारे बाबा जब मैं गलियों में देखती हूँ कि जब छोटी बहने अपने भाइयों को गोदियों में लेके जाती है मुझे अली असगर बड़ा याद आता। जब मैं छोटी बहनों को देखती हूँ अपने भाइयों को गोदियों में लेके जाती है मुझे असगर बहुत याद आता है। ए बाबा असगर अब तो घुटनियों चलने लगा होगा, अब सकीना असगर के साथ खेलती होगी और गोद में लेके प्यार करती होगी। ए बाबा मुझे भी हसरत थी असगर को लेके गोद में प्यार करूं, लेकिन खैर बाबा असगर
के लिए दो जोड़ी कपड़े भेज रही हूँ। बस अब मैं नहीं पटकता, खत्म कर दिए मसाइब। ए बाबा इंशाल्लाह जिंदगी रही इसके बाद के मसाइब फिर कभी सुनाऊंगा। ए बाबा असगर के लिए दो जोड़ी कपड़े भेज रही हूँ जो दादी उम्मुल बनीन ने बनाए हैं, और भैया अली अकबर के लिए अपने हाथों से बनाया हुआ एक गुलदस्ता सोखरा दे रही है। कहाँ तक पढ़ू? हुसैन ने